भी खत्म नहीं हुआ, एग्जाम खत्म होने में अभी घंटा हुआ, एक लास्ट एग्जाम बचा हुआ है, एग्जाम भी खत्म नहीं हुआ, एग्जाम खत्म होने में अभी घंटा हुआ, एक लास्ट एग्जाम बचा हुआ है। दोस्तों रात संचिता वासु लाइव आई थी, मैं रात ये लाइव नहीं डाल पाया। दोस्तों हमेशा खुश रहने वाली संचिता वासु आपको इस लाइव में बहुत ज़्यादा उदास दिखाई देंगी। उदास होने का कारण क्या है ये संचिता वासु फैंस के बताने पर भी बता नहीं पा रही हैं कि वो लाइव में इतनी उदास क्यों है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जैसे कि आपको हमने कुछ लाइव में बताया था, कुछ वीडियो में बताया था, संचिता वासु और उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब है। तबीयत ख़राब होने की वजह से संचिता वासु का मुंह भी उतर चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं संचिता वासु कितनी उदास दिखाई दे रही हैं, उनके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है कि वो कितनी ज़्यादा बीमार हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। दोस्तों टेंशन जब इंसान को होती है तो वो इंसान को कभी भी पनपने नहीं देती है, यानी कि खुश रहने नहीं देती है। आपको ये लाइव आखिर तक देखना है। इसमें लाइव में संचिता बसु के फैंस ने बहुत ज़्यादा कोशिश की संचिता बसु को खुश करने की, मगर इस पूरे के पूरे लाइव में संचिता बसु एक बार भी मुस्कुराती हुई नज़र नहीं आई है, ना ही वो हंसी हैं ना ही मुस्कुराई हैं। वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रही हैं, बिल्कुल उदास बैठी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर वो कुछ काम करती हुई नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों इस लाइव में देखेंगे आप संचिता बसु किस तरीके से बात कर रही हैं और क्या बोल रही हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों संचिता बसु इस टाइम पर बीमार हैं और बीमारी के कारण बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं, तो दोस्तों इसी वजह से वो ज़्यादा वीडियो भी नहीं डाल पा रही हैं। जैसे कि आप उनके किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर देखेंगे वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पा रही हैं। तो दोस्तों उनके फैंस से गुजारिश है, आप संचिता वासु के लिए दुआएं करिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और उनकी कोई भी परेशानी है वो ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों आप बिना टाइम गवाए इस लाइव को आखिर तक देखें और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको ये लाइव कैसा लगा और आप संचिता वासु को क्या ऐसे ही सुस्त देखना चाहते हैं या खुश देखना चाहते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए। कद्दू करता है कद्दू देख बोल के देखा दी रही नहीं नहीं एग्जाम भी खत्म नहीं हुआ, एग्जाम खत्म होने में अभी घंटा हुआ, एक लास्ट एग्जाम बचा हुआ है, thank you so much.
एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं। I'm smiling only. विमल आप क्यों रो रहे हो? मत रो आप। हाँ खुशी सो गई। Thank you.
कुछ नहीं बोलूंगा आपको। क्यों प्लीज, थैंक यू थैंक यू। ओके आई बाय, गुड नाइट। ऐसे मैं भी बहुत लेट लाइव आई हूँ ना, इसलिए आप कुछ सुन सकते हो। पीछे कौन है? कोई नहीं। विमल आप मत रो, गुस्सा हो क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं। पीछे भूत है? अच्छा या ओके सत्यजीत, आपकी आंखें प्यारी है, थैंक यू। मूड ऑफ है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। फीवर ठीक है? हाँ एकदम ठीक है। आई एम वेल मैम, आई एम गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ ओके, खाना खाया? खा लिया। नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं है, बस ऐसे ही शांत हो आज। हाँ मैं ले लिया पेडिसिन। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, मैं यही हूँ अभी कुछ देर। लेकिन सीरियस मीडिया नो, ऐसा कुछ नहीं है। पीछे कौन है? कोई नहीं है पीछे। आप लोग बाबा जी क्यों बोल रहे हो? पीछे को कॉटन है बस। पीछे क्या है मेरे, कुछ है क्या? थैंक यू सो मच डॉक्टर गुरु जी। अगर बाकी कॉटन है ओनली, ऑफ कोर्स बस कॉटन है, तो फिर आप लोग क्यों बोल रहे हो पीछे कुछ है? ओके सत्यजीत,
ओके ओके स्टफ बाय थैंक यू।